ये बालाघाट के आयुर्वेद डॉक्टर रमेश सेवलानी हैं। कहने को तो डॉक्टर साहब एक क्लिनिक भी चलाते हैं, पर समय निकाल कर डॉक्टर साहब उन लोगों के बीच भी पहुंच जाते हैं जो बेहद ही गरीब है, उपेक्षित है और स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम भी है। कहने का मतलब ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो गाँव में पहुंचकर डॉक्टर साहब अपनी टीम के सहयोग से समय समय पर निःशुल्क उपचार भी करते हैं। यह तस्वीर बिरसा ब्लॉक के गांव जालदा के लोरा टोला की है। यहां पर न साधन है न संसाधन है, क्योंकि यहां पर बैगा जनजाति की बसाहट है। शिविर में बैगा जनजाति के लोग भी पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। कोई बुखार से पीड़ित है तो कोई चर्म रोग से परेशान है, किसी को वायरल फीवर है तो किसी को सर्दी और खांसी है। कुछ इसी तरह की शिकायत पर डॉक्टर साहब की टीम इस गांव में पहुंची है। शिविर में डॉक्टर साहब ने न केवल बैगाओं का इलाज किया है बल्कि बैगा महिलाओं को साड़ियों का वितरण भी किया और बच्चों को बिस्किट भी प्रदान की। डॉक्टर सेवलानी बीते कुछ वर्षों से लगातार यह कार्य कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 200 से अधिक शिविर भी लगाए हैं, जहां पर वे स्वयं जाकर लोगों का इलाज करते हैं और ज़रूरत की सामग्री भी प्रदान करते हैं। यह समाज सेवा की वो मिसाल है जिसकी पिछड़े समाज में आज भी ज़रूरत है, और इन्हीं ज़रूरतों को डॉक्टर सेवलानी पूरा कर रहे हैं। जिले में हो रही बारिश के बीच एक बार फिर मनकुवर नदी उफान पर है, जिससे नेशनल हाईवे बंद हो गया है और मंडला जिले के नैनपुर का बालाघाट से संपर्क टूट गया है। बता दें कि चांगोटोला और घंगरिया के मध्य बहने वाली मनकुवर नदी में पानी का तेज बहाव होने से रास्ता बंद हो गया है। न तो लोग इधर से उधर जा पा रहे हैं और ना ही उधर के लोग इधर आ पा रहे हैं। यह मार्ग प्रस्तावित नेशनल हाईवे 543 का हिस्सा है, जहां निकट भविष्य में बड़ा पुल भी बनना तय है, लेकिन वर्तमान समय में बारिश के बाद यह मार्ग लगातार तीसरी बार बंद हो चुका है। इसके पहले भी यहां पर मौजूद ब्रिटिशकालीन पुलिया पानी के तेज बहाव में दो बार टूट चुकी है, जिसका लोक निर्माण विभाग ने एक सिरे से निर्माण भी किया है, लेकिन ऊंचाई काफ़ी कम होने के कारण बारिश का पानी पुलिया के ऊपर चढ़ जाता है, इस कारण यह मार्ग आए दिन बंद हो जाता है। फिलहाल दो दिनों की बारिश के बाद कुछ इसी तरह के हालात देखने मिल रहे हैं, जिससे आसपास के करीब दर्जनों गांवों का संपर्क लामता चांगोटोला और बालाघाट मुख्यालय से टूटा हुआ है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने एक और खबर पर संज्ञान लिया है। 17 अगस्त को वारासियुनी क्षेत्र के मेहंदीवाड़ा में पकड़े गए धान से भरे ट्रकों की जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा है कि शासकीय धान पर किस तरह जुर्माना लगाया गया और फिर किस आधार पर पुलिस द्वारा ट्रक छोड़ा गया। उन्होंने मंडी सचिव मनीष मंडावी को निर्देशित किया है कि जिस मंडी अधिकारी ने जुर्माना लगाया है उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर एक ही दिन में जवाब मांगे और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ में छिंदवाड़ा के मिलर्स राधे एग्रो इंडस्ट्रीज को भी नोटिस जारी करने निर्देशित किया। दरअसल गुरुवार को कलेक्टर मीणा ने उपार्जन समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कलेक्टर ने धान से संबंधित सभी बिंदुओं की सूक्ष्मता से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अनुबंध के आधार पर जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बना है उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। कलेक्टर मीणा ने यह भी कहा है कि बालाघाट की सीमा से बाहर जाने तक विपणन विभाग निगरानी करेगा और रोज की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। बैठक में खाद्य आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेलार, केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ पटले, कृषि उपसंचालक राजेश खोबरागड़े और विपणन अधिकारी विवेक तिवारी सहित नागरिक आपूर्ति अधिकारी मौजूद रहे।
गांगुलपारा पर्यटन केंद्र से सटे केरा गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। केरा गांव से होकर गुजरने वाले वाटरफॉल के नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे होमगार्ड और SDERF की टीम ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला। बताया गया कि पायली निवासी रोहित पिता लक्ष्मीचंद ठकरेले अपने दोस्तों के साथ केरा वाटरफॉल में नहाने गया था, जहां उसका संतुलन बिगड़ने से वह नाले के पानी में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए SDM गोपाल सोनी ने नदी नाले और पर्यटन स्थलों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों लोग बारिश के बीच वाटरफॉल और अन्य पर्यटन केंद्रों में बहुतायत में पहुंच रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और नदी नाले भी उफान पर है। ऐसे में गंभीर दुर्घटना होने की संभावना है। इसी को लेकर उन्होंने आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163, पुरानी धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी झरने में स्नान करने या फिर किसी भी उद्देश्य से प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पैर स्लिप हो जाए या फिर कोई चट्टान का टुकड़ा टूट जाए तो इससे इन पर्यटकों की जान को यहाँ पर जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि वो सीधे यहाँ से फिसल कर नीचे आ सकते हैं।